दोस्तों स्वागत है टीवी 18 चैनल के प्रोग्राम ऑथेंटिकेटेड के तीसरे एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राफेल की। राफेल पे हम दो एपिसोड में बात करेंगे। आज बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए राफेल की राजनीति की प्रासंगिकता की और बीजेपी राफेल का प्राइस क्यों नहीं बता रही। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे अनिल अंबानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पे उठ रहे सवालों की, राफेल की गिनती 126 से 36 पे करने की, इसके प्रोसीजर को बाईपास करने की, इन सभी मुद्दों को हम दूसरे एपिसोड में उठाएंगे। 2014 की इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस को लगा कि नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो मोदी का तिलिस्म तोड़ सकते हैं। मोदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हैं। नोटबंदी भी ऐसी कि देश की करेंसी में से 86% नोट गायब हो जाते हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों में काफी परेशानी होती है, इस पे जोर शोर से राजनीति की जाती है। इसी दौरान देश में 5 राज्यों के चुनाव आ जाते हैं, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। कांग्रेस को लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो नोटबंदी से जुड़ा देशभक्ति का जज्बा कम होने लगा था, नोटबंदी से हो रही तकलीफों को काबू में करना सरकार के लिए नामुमकिन हो रहा था और नोटबंदी से जुड़े कई घोटाले सामने आ रहे थे। पर इस सब के बावजूद पंजाब को छोड़ के कांग्रेस कहीं भी सरकार नहीं बना पाती। इस रिजल्ट से नोटबंदी के एक गेम चेंजर मुद्दा होने के दावे को बहुत चोट पहुंचती है। इसके बाद कांग्रेस और विपक्ष एक और मुद्दा ढूंढ रहे होते हैं। यह मुद्दा उनको मिलता है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के रूप में। इस मुद्दे को नोटबंदी से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये बीजेपी के कोर वोट ग्रुप जिसमें छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और मिडिल क्लास शामिल है, उनको सीधे प्रभावित करती है। नोटबंदी के पहले 6 महीने में ही देश के 2 महत्वपूर्ण राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ जाते हैं। विशेषकर अगर गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को हरा देती है, जो कि मोदी का घर है, मोदी का गढ़ है, तो यह बीजेपी और मोदी के राजनीतिक अंत की शुरुआत हो सकती है। बीजेपी सरकार की 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मोदी गुजरात से जा चुके हैं, गुजरात बीजेपी में विजय रूपानी और आनंदीबेन गुट में जबरदस्त खींचोतान चल रही है, प्रवीण तोगड़िया की विश्व हिंदू परिषद मोदी का विरोध कर रही है, सूरत का क्षेत्र जीएसटी और नोटबंदी के केंद्र के रूप में उभर रहा है, इसके अलावा पटेल राजनीति भी अपना जोर दिखा रही है। इन अनुकूल हालात के बावजूद हालांकि कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ती हैं, पर बीजेपी अपनी सरकार बना जाती है। लेकिन जो तथ्य कांग्रेस और विपक्ष को परेशान कर रहा है वो यह है कि इन चुनावों में 16 सीटें बढ़ने के बावजूद जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.5% बढ़ता है, वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 1.5% बढ़ता है। अब विपक्ष के रणनीतिकारों को महसूस होता है कि मोदी की इमेज एक ऐसी ढाल है जो बीजेपी सरकार को किसी भी मुद्दे से बचा लेती है। इस इमेज को तोड़ना जरूरी हो गया। अब जरूरत थी एक ऐसे मुद्दे की जिससे मोदी की इमेज को तोड़ा जा सके, एक ऐसे हथौड़े की जिससे मोदी की ईमानदार होने की इमेज को तोड़ा जा सके। इसी बीच राफेल का मुद्दा गरमाना शुरू हो चुका था, तो यह फैसला हुआ कि राफेल के मुद्दे को देश की अगली बफोर्स बनाया जाए और मोदी को सीधा टारगेट किया जाए। राफेल का मुद्दा उठाने के कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी को 2 महत्वपूर्ण फायदे हुए। पहला, मोदी की इमेज को डायरेक्ट टारगेट किया गया। दूसरा, महागठबंधन की दौड़ में राहुल गांधी विपक्ष के अन्य नेताओं से काफी आगे निकल गए, यानी मोदी विरोध में राहुल गांधी का कद माया, ममता और अखिलेश वगैरह से काफी बड़ा हो गया। राफेल के मुद्दे में खास बात यह है कि जहां 2019 के इलेक्शन तक कांग्रेस इसे खत्म नहीं होने देना चाहती, वहीं बीजेपी भी इसे जिंदा रखना चाहती है। बीजेपी को राफेल मुद्दा जिंदा रखने से क्या फायदे हैं, ये जानने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि बीजेपी राफेल की कीमत क्यों नहीं बता रही। बीजेपी का कहना है कि अगर राफेल की कीमत बताते हैं तो देश के दुश्मनों को यह पता चल जाएगा कि राफेल में कौन कौन से रडार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या मिसाइल वगैरह लगे हुए हैं। यह बहाना सुनने में जितना अच्छा लगता है, असलियत से उतना ही दूर है।
ये जानने के लिए आइए पहले समझते हैं राफेल बनने की प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू राफेल तैयार होता है। राफेल का निर्माण सिर्फ एक कंपनी डसॉल्ट नहीं करती, राफेल के निर्माण में चार कंपनियां शामिल है। डसॉल्ट का काम है बेसिक असेंबली बनाना और सिस्टम इंटीग्रेट करना। डसॉल्ट के अलावा इसमें थेल्स कंपनी शामिल है जो कि रडार और एवियोनिक्स बनाती है। तीसरी कंपनी सेफ्रान है जो राफेल के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को बनाती है। चौथी कंपनी MBDA है जो कि वेपन सिस्टम्स को बनाती है। इन चारों कंपनियों को फ्रांस सरकार को, फ्रेंच गवर्नमेंट को और उनकी टैक्स अथॉरिटीज को अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। इसके अलावा उनको अपने हर सौदे की जानकारी अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपने शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है। यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती है। अब जब भारत को दिए जाने वाले 36 राफेल विमानों का निर्माण हो रहा है तो इन तीन कंपनियों थेल्स, सेफ्रॉन और MBDA ने डसॉल्ट कंपनी को कौन कौन से उपकरण दिए, कौन कौन से सामान दिए, ये अगर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, इसकी जानकारी लीगली प्राप्त की जा सकती है, तो ये पता लगाना कहाँ मुश्किल है कि राफेल में कौन कौन से वेपन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एवियोनिक्स या रडार लगे हुए हैं। सो ये कहना गलत है कि सिर्फ राफेल की कीमत बताने से दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि राफेल में क्या क्या लगा है। अगर ये बात है तो BJP राफेल की कीमत बताकर ये मुद्दा ख़त्म क्यों नहीं कर देती, क्योंकि यह मुद्दा BJP की 2019 की रणनीति में फिट बैठता है, जहां महागठबंधनों की भीड़ का सामना करना BJP के लिए मुश्किल हो रहा था, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था, और BJP के सामने यह खतरा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी सेंट्रिक ये इलेक्शन नहीं होने जा रही, और अगर ये नरेंद्र मोदी सेंट्रिक इलेक्शन नहीं होती तो ये इलेक्शन मुद्दों पे चली जाएगी, और पहले ही BJP को किसानों पे, रोजगार पे और 15 लाख पे जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठाकर, इसको सेंट्रल मुद्दा बनाकर और इस पे मोदी को सीधा टारगेट करके 2019 के लोकसभा इलेक्शन को मोदी वर्सेस राहुल बना दिया है। BJP को यह लगता है कि कांग्रेस या विपक्ष कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मोदी की ईमानदार इंसान की छवि को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि आम आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि मोदी बेईमान है। तो अब दोस्तों जो इलेक्शन है वो मोदी वर्सेस राहुल हो गया है, कसौटी पे है मोदी या राहुल, दोनों में से कौन बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मोदी या राहुल, दोनों में से कौन ज्यादा ईमानदार है। अगर ये इलेक्शन मोदी सेंट्रिक हो जाती है तो BJP को इस इलेक्शन में वो नैरेटिव मिल जाएगा, वो लाइन मिल जाएगी जिसको अवॉइड करने की कोशिश क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय लेवल पर गठबंधन बनाकर कर रही थी। अब राहुल सफल होते हैं कि मोदी सफल होते हैं ये तो वोटर बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को टारगेट करके, जो कहावत है कि ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला काम किया है, अब इन अंडों से चूजे निकलेंगे कि आमलेट बनेगा, ये देखते हैं दोस्तों मई 2019 में। फिर मिलते हैं, थैंक यू।